दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे व्यू के सिनेमा टीवी के बारे में, क्या खास है इस नए साल की टीवी जो व्यू लेके आया है और उसको व्यू कह रहा है व्यू सिनेमा टीवी। तो आज के वीडियो में कवर करेंगे उसके स्पेसिफिकेशन को, प्राइसिंग को और कौन कौन से वेरिएंट में लॉन्च किया, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाए टंडरा, शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड, लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर व्यू सिनेमा टीवी लॉन्च हो चुकी है इंडिया में और उसको एक टैगलाइन के साथ काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है व्यू की तरफ से, जिसको बोल रहा है व्यू की अनलॉक द सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। मतलब आपको इस टीवी में एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा, या फिर बोल दो जैसा आप थिएटर में बैठ के एक्सपीरियंस करते हो वैसा आपको इस टीवी में देखने मिलेगा। तो बात कर ले यहाँ पर इसके वेरियंट्स के बारे में, कौन कौन से वेरियंट्स में लॉन्च किया। तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर 43 इंच की टीवी में आपको देखने मिल जाएगी, 50 इंच की मिल जाएगी और 55 इंच मिल जाएगी। अब बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, क्योंकि प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्पेशली हमारे जैसे एक कंज्यूमर के लिए या फिर एक कस्टमर के लिए, क्योंकि भाई प्राइसिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो फिर हम क्यों खरीदेंगे, अगर हमारे बजट में नहीं आएगा तो हम क्यों खरीदेंगे। तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि जो प्राइसिंग रखी गई है 43 इंच की जो टीवी है वो भी 4K टीवी, वो आपको मिल रही है 27,000 की, प्राइसिंग एकदम जबरदस्त लग रही है मुझे यहां पे। और दूसरी बात करूं 50 इंच की जो टीवी है वो आपको मिल रही है लगभग 29,000 रुपीस की, और जो एक 55 इंच वाली की जो लास्ट टीवी जो मार्केट पॉपुलर होती है, हर घर में आपको 55 इंच वाली टीवी देखने मिलती है, उसका प्राइसिंग रखा हुआ है 34,000 रुपीस। तो यहां पे प्राइसिंग तो मुझे बहुत ज्यादा एग्रेसिव और एकदम कन्वीनियंट लग रही है एज अ कस्टमर के हिसाब से, कि मतलब काफी अफोर्डेबल है और एक बजट टीवी है। लेकिन यहां पे व्यू का कहना है कि उन्होंने इस पर बजट कैटेगरीज वालों को टारगेट नहीं किया, यहाँ पर उन्होंने टारगेट किया है LG, सोनी, सैमसंग, ये सब बड़े ब्रांड को टक्कर देने के लिए। इसलिए उन्होंने पिक्चर क्वालिटी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। और जब मैं पिक्चर क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर व्यू ने व्यू पिक्सेलियम टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जिसके थ्रू होगा कि आपको जो पिक्चर क्वालिटी है काफी अच्छा देखने मिलेगा इसी टीवी में। और इसी के साथ साथ जो उसकी जो ब्राइटनेस निट्स है वो भी बढ़ चुकी है। मतलब पहले की जो टीवी होती थी व्यू की उसमें आपको 300 निट्स की ब्राइटनेस देखने मिलती, लेकिन यहां पर आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस देखने मिलेगी इसी टेक्नोलॉजी के तहत। और इसी के साथ साथ पिक्चर क्वालिटी के बारे में मैंने बताया कि अच्छे अच्छे कलर प्रोड्यूस करेगा इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू, और आपको अच्छे ब्लैक्स एकदम डार्कर होते ना ब्लैक्स आपको इसी टीवी में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी के मामले में उन्होंने काफी ध्यान रखा है इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, आपको काफी फायदा, बोलते हैं ना आपको अच्छा एक्सपीरियंस इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू देखने मिलने वाला है। और जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पे मैं डॉल्बी विजन के HDR को कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हाई डायनेमिक रेंज का भी सपोर्ट आपको इसी टीवी में देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको पिक्चर क्वालिटी के लिए कोई भी कमी आपको देखने नहीं मिलेगी। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा आपको अच्छे व्यू एंगल्स भी इसी टीवी में आपको देखने मिल जाएंगे। So, यहां पर बात हो गई पिक्चर क्वालिटी के बारे में। अब मैं बात करता हूं यहां पे ऑडियो क्वालिटी के लिए व्यू ने क्या नया लाया है इसी टीवी में। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि पहले की जो व्यू की टीवी होती थी उसमें जो साउंड आउटपुट होता थोड़ा सा कम होता था, मतलब 16 या 20 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिल जाता, लेकिन यहां पर व्यू ने धमाका किया है। यहां पे धमाका ये किया है कि आपको 40 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिलेगा, दो आगे दो पीछे, एकदम कड़क वाला आपको फील देने वाला है। मतलब साउंड आउटपुट में इस बार एक बहुत अच्छा काम किया है व्यू ने, तो मेरी तरफ से एक हैट्स ऑफ तो व्यू के लिए बनता ही है। और इसी के साथ साथ आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का जैसा मैं कह रहा था, तो आपको पिक्चर क्वालिटी भी एकदम मस्त वाली मिल रही है, इसी के साथ साथ ऑडियो भी धमाकेदार है। तो यहां पे एक अच्छा पैकेज लेके आया है व्यू। अब मैं बात करता हूं उसके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में। यहां पे मैं कहना चाहूंगा यहां पे आपको एंड्रॉइड 9 देखने जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। और बात करें यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडर के लिए, तो यहाँ पे आपको अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार, सब के सब ऐप सपोर्टिव आपको मिलेंगे। आपको ऐसा कोई भी रिग्रेट नहीं होगा कि भाई ये ऐप नहीं चल रहा, तो यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कमेंट में आप लोग काफी लोग पूछते हो कि अमेजॉन चलेगा कि नहीं, नेटफ्लिक्स चलेगा कि नहीं, तो यहाँ पे इस टीवी में आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और बात कर लें यहाँ पे टीवी के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे आपको क्वाड कोर प्रोसेसर देखने मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जो रैम है 1.5 GB का आपको रैम देखने मिल जाएगा, 8 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया। तो मुझे लगता है यहाँ पे रैम थोड़ा सा अगर व्यू वाले बढ़ा देते तो बहुत ज्यादा अच्छा होता था। बात कर ले यहाँ पे टीवी के कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा आपको 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट देखने मिल जाएंगे, RJ45 का केबल का बोलते हैं ना इथरनेट का पोर्ट देखने मिल जाएगा, 3.5 mm का जैक दिया गया है। इसी के साथ साथ AV इनपुट का भी आपको पोर्ट देखने मिल जाएगा, और कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ आपको एडिशनली मिल रहा है 5.0 वाला एकदम लेटेस्ट वाला, और टीवी में बाय डिफॉल्ट वाईफाई तो होता ही है।
और एक और चीज मुझे इस टीवी की बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे आपको गूगल क्रोम का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जो एडिशनल यहाँ पे लेके आया व्यू सिनेमा वाले जो टीवी आपको 2020 में देखने मिले, यहाँ पर आपको एप्पल एयर प्ले का भी सपोर्ट देखने मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप एप्पल के फोन या एप्पल के डिवाइसेस भी आप अच्छे से कास्ट कर सकते हो इसी व्यू के सिनेमा वाले टीवी में। और जैसा मैंने बताया आपको कि यहाँ पे आपको एक व्यू ने प्लान किया है सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने के लिए, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे जो टीवी का जो बीजल एकदम बोलते हैं ना थिन बीजल आपको देखने मिलेगा, जिसके थ्रू आपको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब टीवी में बीजल है या नहीं है, इतना आपको बोलते हैं ना स्लिम आपको ये टीवी देखने मिलने वाली है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा व्यू ने बहुत अच्छा पैकेज ले गया है, प्राइसिंग भी एकदम मस्त रखी है। अमेजोन पे मिलने वाली 18 तारीख से 18 जनवरी 2020 से आपको अमेजोन पे देखने मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, वहां से आप परचेज कर सकते हो। इसी के साथ साथ मेरे जो रिकमेंड टीवी है बजट टीवी और अलग अलग टीवी, उसके सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएंगे। और दोस्तों एक और बात कहना चाहूंगा यहां पर कि जो व्यू की सीईओ है डेविटा शराफ, उन्होंने अनाउंस किया है कि उनके और अलग अलग वेरिएंट भी आने वाले इसी कैटेगरी में, जहां पे आपको 65 और 75 इंच की भी टीवी देखने मिल जाएगी। और एक और बात उन्होंने हाईलाइट की है उनके बोलते ना इंफॉर्मेशन या फिर बोल सकते उनके थ्रू कि यहां पे जो टीवी लॉन्च की है यह व्यू सिनेमा वाले, वो कस्टमर के फीडबैक के थ्रू लिया गया है। मतलब कि कस्टमर के बहुत सारे फीडबैक आए, उनको अच्छे से एनालाइज करने के बाद इस टीवी को प्रोड्यूस किया है। तो यहां पे मुझे लगता है कि काफी ध्यान रखा है एज अ कस्टमर की, मतलब कस्टमर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, स्पेशली जब वो टीवी ले रहा है उसको कोई भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजों का ध्यान दिया गया व्यू की तरफ से। बाकी आप मुझे बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, मतलब या फिर आपका क्या मानना है इसी टीवी के बारे में, क्या लग क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है, मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग नए सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी गाइड चैनल को। और आपको मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, बाय बाय। और इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जरूर कीजिए, वहां पे बहुत सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे इसी चैनल के बारे में। बाय बाय।